तो अभी देखिए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का भी सिस्टम है और पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। देखिए देखिए आप यहाँ की खूबसूरत नज़ारे। आप भी अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल सीधे काल से में। और आज हम पहुंचे हैं मसूरी और आप देखिए यहाँ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को एक बार, क्या सुंदर नज़ारे हैं। चारों ओर धुंध छाई हुई है और अभी हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। क्या है रहे हो, किस जगह जा रहे हैं हम? जॉर्ज एवरेस्ट ना, सर जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी। और आप मेरे पीछे के नज़ारे देखिए, और मसूरी से ये करीब करीब 2 किलोमीटर का सफ़र है आगे का। अगर जहाँ पूरा ट्रैक शुरू होता है मसूरी से आगे, आगे का मैं ट्रैक वहाँ पे से शुरुआत से शूट नहीं कर पाया। और देखिए आप एक बार मेरे पीछे किस प्रकार से धुंध चारों ओर छाई हुई है और मेरे साथी सब आगे आगे भाग रहे हैं, कोई नहीं आना चाहता है वीडियो के फ्रेम में। देखते हैं, कोशिश करेंगे आगे जाके इन्हें आगे फ्रेम में लेने की। बने रहिए ब्लॉग में, देखिए यहाँ का ट्रैक किस प्रकार से है। जनम्यार चैनल नाम से उकाल उनी एक हम बड़े उकाल शुरू हो गया ही। और देखिए आप, चलिए ब्रिजेस भाई। हाँ सर, आज तो सही जगह रहेगा, सीधे उकाल में है। और देखिए आप एक बार उत्तराखंड की हसीन वादियों को, चारों रात तो धुंध छा रखी है मसूरी सर जॉर्ज एवरेस्ट में। पहुंच गए अभी? कहाँ पहुंचे भाई है? उकाल और नजारे उधार, और ज्यादा से ज्यादा रोमांचक बनाने की कोशिश करेंगे। बोलते रहे तू, चुप मत हो। ब्रिजेश भाई को हमने कितने बजे उठाया है? रात के 12 बजे। रात के 12 बजे ब्रिजेश भाई को हमने देहरादून से उठाया है। 2 बजे कैसे लग रहा है ब्रिजेश भाई फिर तुम्हें? अच्छा लग रहा है, गरम गरम है। मिलते हैं आगे दोस्तों। अब 1 किलोमीटर के ट्रैक के बाद देखिए आप यहाँ का रास्ता किस प्रकार से है। अबे पूरा रास्ता खराब है, फ्रंट में उस समय तो लग रहा था कि सामने होगा, मगर काफी थक लग चुकी है। अब रास्ता देखिए आप एक बार यहाँ का, मेरे साथ ही आगे पहुंच चुके हैं अर्मी ब्लॉगिंग का चक्कर पीने छुट्टियों। और लोग काफी नारे लगाते हुए, जोश भरते हुए, जय श्री राम। आ, अरे भाई साहब बुरे हाल हो गए रे, ब्याली ब्याल दे। भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से आया रास्ता, देखिए आप नीचे ठीक नीचे से बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाता हूँ और सफर जारी है, ब्लॉग में बने रहे। अभी तक जो धुंध छा रही थी तो आप देखिए अब किस प्रकार से चारों ओर धूप लग चुकी है, देख ही रहे होंगे आप। और अब चलने लग गया आगे फोटो शूटिंग हमारे साथियों की, और जो हिमालय पर्वत आपको बद्रीनाथ में दिखे होंगे वो यहाँ से भी देखो कितनी दूर दिख रहे हैं। इधर ही पीछे है क्लाउड एंड भी पड़ता है, अगर वहाँ जाएंगे तो आपको वीडियो में वो भी दिखाएंगे। ठीक मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इसका आप वीडियो में जूम नहीं होता क्या है?
देखिए आप मेरे पीछे के नज़ारे हिमालय, अगर आपको दिख रहे होंगे तो हिमालय पर्वत जो बद्रीनाथ में साफ दिख रहे थे, और हमारे साथ ही भी पीछे से आ चुके हैं। मोंटू आ गया है, देखिए आप किस प्रकार से रास्ता है, पूरु ब्याल खड़ी चढ़े उगाल। अमन भाई आ जाओ, आप तो आ जाओ ब्लॉग में, कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुंगनाथ भी आए थे आप हमारे साथ, आगे आइए। वो खतरनाक है कि यहाँ खतरनाक है? यहाँ ज्यादा खतरनाक, यहाँ ज्यादा खतरनाक है। नहीं, वो ज्यादा खतरनाक, वो ज्यादा खतरनाक है। मगर नहीं यार, ये ब्याल ये कम बताया इन्होंने, 2 किलोमीटर बताया, 2 किलोमीटर बता के देखिए कितना बेवकूफ बनाया, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा है। काफी थक चुके हैं हमारे साथी है, और हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ हैं। कैमरामैन से मुलाकात कराते हैं, जिन्हें हमने रात को 12 बजे उठाया है। कैसा लग रहा है ब्रजेश भाई आपको? बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही बेकार है। अबे कन बेकार है, ये भी कैप्चर हो जाएगा तुम्हारा, अंग्रेज भी, तब मत बोलने से काट देना, ठीक है। देखिए आप दोस्तों, अभी धूप आई थी, और अब पीछे करना यार, देखिए धुंध फिर से शुरू हो चुकी है। पल पल भर में यहाँ मौसम बदलते हैं, और काफी सैलानी भी पहुंचे हैं यहाँ तो यार, कहाँ के मुकाबले, और जगह के मुकाबले तो काफी है यार इधर। किस पहाड़ को देखने के लिए यहाँ पे आए ऊपर? किस पहाड़ को? किस पहाड़ को? हिमालय को। हाँ। यार ये तो हमने नजदीक से बिल्कुल अपने आस पास में देख रखा है। और दोस्तों अब आप यहाँ के नजारे देखिए, इस प्रकार से यहाँ के नजारे हैं। अरे इधर 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 इधर, अरे हमारा कैमरामैन ऊपर जा रखा है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे बीच में है। अरे कैमरा तो तुम्हारे पास, वो कहीं ले जा रखा फिर वहाँ है, कहाँ गए रे? ओ वहीं पे। कैसा लग रहा है मोंटू यार है? ज्वेल भैया बताएंगे कैसा लग रहा है, ज्वेल भैया फिर आपको यहाँ आके लगनी पड़ेगी भाई। हैं? आओगे तमीज से आना, पैक मार के आना। अच्छा, बिना पैक के ये रिकॉर्डन पड़ रही। चलिए मिलते हैं फिर अभी आगे आपको, यहाँ पर जहाँ पर व्यू पॉइंट है असली व्यू पॉइंट वो दिखाएंगे आपको, बने रहे ब्लॉग में। आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जोर जबरदस्त के नजारे हैं। किसको? अबे तो ऊपर के नजारे दिखा रहा हूँ पागल, तो देखिए फोटो शूट शुरू हो चुका है हमारे अमन भैया का। धूप लगी हुई है, और ब्रजेश भाई हमारे कैमरामैन फोटो सब की खींचते हुए, और आप एक बार यहाँ का व्यू देखिए, काफी सैलानी आए हैं। अभी ऊपर वहाँ जाना है, अरे रिपटवाल भैया हमारे, हाँ चाह रहा भाई। अरे हिमालय पर्वत आप देखिए, आप किस प्रकार से यहाँ से देख रहा है नज़ारे देखिए आप, जो काफ़ी दूर है यहाँ से भी लग रहा, मगर गांव भी आसपास है। नज़ारे देखिए आप चारों ओर, काफ़ी सुंदर नज़ारे, मगर हालत भी बहुत ख़राब हुई भाई यहाँ पहुँचने के लिए फिर, मगर मज़ा भी काफ़ी आएगा जब अगर आप एक बार ऊपर पहुँच जाएंगे। ब्रजेश भाई आज फोटो शूट करता रहेगा क्या? आ जाओ, नज़ारे देखिए दोस्तों आप, कहाँ कहाँ पहुँच रहे लोग वहाँ टॉप में फोटो शूट के लिए, और हमारा कैमरामैन आ जा भाई, कैमरामैन यहाँ से चढ़ना पड़ रहा है ऊपर जोर जबरदस्त की चोटी के लिए। हमारे साथी पहुंच चुके हैं, दिखाता हूँ फिर मैं भी आपको आगे चल के किस प्रकार से, अभी मेरे को भी चढ़ना पड़ेगा ना यहाँ, बने रहे ब्लॉग में। बादल देखिए, और धूप धुंध हर प्रकार का मौसम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप ये व्यू देखिए आप, सुंदर नज़ारे। मिलते हैं फिर आगे आपको आगे ब्लॉग में, बने रहें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी आपको जोर दिया फ्रेश के असली जो जहाँ पे जाना है वहाँ पे का व्यू दिखाता हूँ, बने रहें। तो अभी देखिए यहाँ पे
पैराग्लाइडिंग का भी सिस्टम है और पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। देखिए देखिए आप यहाँ की खूबसूरत नज़ारे। आप भी अगर यहाँ आते हैं तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जोर एवरेस्ट। पता नहीं देखो तुम भाई आ जाओ वापिस आ जाओ। दूनी चला गया वापिस आएगा क्या? वापिस आएगा अब ऐसे लग रहा है जैसे वापिस आ रहा होगा। हाँ कार वापिस आएगा भाई। मेरे से ले लो वीडियो भाई। मैंने बना देखिए आप एक बार यहाँ की पर्यटक भाई वापिस आ जो सच में वापिस आ गया आ रहे हैं कैसे में इसके ब्रेक पे लोगे ऊपर स्टीयरिंग इस पे भाई क्या मजा आ रहा था यार। वो सोच रहा मजे सोच रहा पर ये भाई कवर से पड़ जाएगी तो पूछ दूंगा पर तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। जोर एवरेस्ट देख के आपको काफ़ी आनंद आया होगा और आज का ब्लॉग यहीं पे उत्तराखंड की वारियों में समाप्त करते हैं। देखिए आप चारों ओर और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत। धन्यवाद।